आज मैंने पूरा रूम दिखा दिया आपको, ड्राइंग रूम का। आज मैंने कितनी अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करी और एकदम डेकोरेट कर दिया इसको। पुराने व्लॉग में देखिएगा आप कितना अजीब सा लग रहा है, और अभी देखिए कितना फ़र्क है। तो ये देखिए सब चेंज कर दिया मैंने। टाइम तो लगता है लेकिन सब चेंज हो गया, पूरी क्लीनिंग हो गई है। और इस तरफ का भी दिखा दिया, ये देखिए सब। यहाँ पे मैंने एमोटी एंटी को रख दिया और पीछे भी, ये देखिए अभी बस ये, और ये मेरे पीछे का डेजी। अभी कहाँ चली थी इतनी धूप में, बैठो। उसने अभी खाना खाया और देखिए पूरा खाना खा लिया उसने आज। आज काफ़ी लेट खाना मिला है, 2:30 बज गए अभी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज ड्राइंग रूम की अच्छे से मैंने पूरी सेटिंग कर दी है। कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं इसकी क्लीनिंग कर रही थी, और उसके बाद मैंने वीडियो का एंड किया था। अगर नहीं देखा है तो ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ऊपर पंखा चल रहा है, ये देखिए। और मैंने यहाँ पे टेबल चेयर यहाँ पे लगा दिया, और जो बड़ी बड़ी सेट है वो ठीक होगी तो उसके बाद ही मैं इसको यहाँ पे लगा पाऊँगी। अंदर बेडरूम भी क्लीन कर दिया, वैसे मैं खाना खाऊँगी। और कल वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि मेरी ये वाली फ़ोटो टूट गई है, तो मैंने इसको दूसरे वाले फ्रेम में लगा दिया, देखिए। लेकिन वो कांच का था और ये वुडन का है, तो मैंने इसमें इसका लगा दिया अभी। जब तक नया फ्रेम नहीं आता तब तक इसमें ये अच्छी है, और इसको मैंने यहाँ लगा दिया अभी, देखिए। और ये फूल भी मैंने यहाँ पर लगा दिए। अभी धीरे धीरे फेरी लाइट वगैरह लगाऊंगी, सब पूरे घर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करूँगी पहले की तरह। डाइनिंग टेबल भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए मैचिंग फ्लावर और इसके मैट। मतलब मुझे थोड़ा सा और क्लीनिंग करनी है, और उसके बाद फिर मैं करूँगी फेरी लाइट और पूरे घर को डेकोरेट करूँगी, फ़ोटो फ्रेम वगैरह लगाऊँगी। मैं सोच रही इस बार ना यहाँ पे लगाऊँगी, ये वाली वॉल पे। सारा जो भी कॉलेज मेरे पास है ना उनकी सबकी फ़ोटो मुझे चेंज करनी है, और उसके बाद उनमें कांच भी बिठाना है मुझे। कांच भी टूट गया, दूसरी दीवार पर मैं पूरी कॉलेज लगाऊंगी, मैंने सोचा है। अभी लंच करती हूँ, आज अकेली हूँ, कल हस्बैंड साथ में ही थे तो बहुत अच्छी तरह से लंच हो गया था। आज अकेले करना पड़ेगा मुझे ना, घर को डेकोरेट करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि साथ में ही ऑफिस चल रहा है आज। कल तक बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा, फिर हम बिंदास खुले बातें करेंगे। मेरे साथ देने के लिए डेजी है, लेकिन डेजी ने पहले ही खाना खा लिया। और ये मेरी पानी की बॉटल, अभी मैंने खूब सारा पानी पिया है, आप लोग भी पानी पीजिए क्योंकि गर्मियाँ बहुत हो गई हैं। और जूस फ्रूट इस तरह की चीज़ों का भी इस्तेमाल करिए। अभी मेरी चाय आई है, अभी चाय आई है। मन भी बहुत हो रहा था चाय पीने का ना, 5:30 हो गए। साथ में थोड़ी सी नमकीन भी देके जाते हैं, कभी कभी बिस्किट भी दे देते हैं, आज नमकीन दिया। इस टाइम पे वैसे ही मन बहुत होता है चाय पीने का। भैया देखे गए अभी, डेजी देखिए यहाँ बैठी हुई है। कहाँ है डेजी? थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज कर लेती है जगह अपनी, वो उसको बहुत गर्मी लगती है। मैं सोच रही हूँ बाहर बैठते हैं गार्डन में, थोड़ा हवा लेते हैं बाहर की, चाय पीने के बाद बाहर जाते हैं। अभी काफ़ी अच्छी हवा चल रही है बाहर ना, यहाँ से तो कम ही दिखाई देता है विंडो में से ना। शाम के टाइम पे एनर्जी आ जाती है चाय से। और एक चाय सुबह में पिला देते हैं तो भी अच्छा लगता है। थोड़ी ठंडी हो गई मेरी चाय। बस अब चाय पी के बाहर चलते हैं।
आज हम करेले की सब्जी बनाएंगे। करेले काफ़ी दिन हो गए घर पे नहीं बनाई है सब्जी मैंने। आज बहुत दिनों के बाद सोच रही हूँ घर पे ही बनाते हैं। मैंने अभी करेले की सब्जी को नमक लगा के रखना है, आज भरवा करेले बनाऊंगी। और ये मैंने खूब सारे गुलाब तोड़े, उसकी पंखुड़ियाँ निकाल के रख ली है मैंने। ये बहुत बाउल भर गया मेरा। मेरा ट्राइपॉड तो मेरे पास है, लेकिन जो फ़ोन को होल्ड करने वाला एक छोटा सा और इंस्ट्रूमेंट आता है वो मम्मी जी के पर्स में चला गया, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है मुझे। तो ये बन के तैयार हो गई है करेले की सब्जी। उसमें मैंने आलू और दो प्याज डाले हैं, भर के बनाई है। और अभी बना रही हूँ रोटियाँ, बस हस्बैंड भी आ गए हैं और अभी टाइम हो गया 8 बज गए हैं, हस्बैंड भी आ गए। रोटियां बना रही हूँ और दूध हम लेके आ गए थे, अभी बस गए और दूध लाए, थोड़ा सा वॉक किया, मार्केट तक घूम के आए। और अंधेरा काफ़ी होता है ना तो इस टाइम पे दिखाई भी कुछ नहीं देता, तो ब्लॉग बनाने का कोई वो भी नहीं बनता, तो इसलिए हम ऐसे ही घूम के आ जाते हैं। और अभी बस रोटी खाएंगे और थोड़ी बहुत बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे। और कल ऑफिस में उद्घाटन मुहूर्त, कल का मुहूर्त निकला है, तो कल ऑफिस वहाँ पे प्रॉपर तरीके से चालू हो जाएगा। बस यही एक अपडेट था, तो कल सारा वहाँ पे प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगा। चलिए मैं रोटी बना लेती हूँ।